राऊतांवर चप्पल फेकण्याचं कारस्थान भाजपच्या चेल्या चपाड्यांचं ठाकरेगडाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांची भाजपवर टीका भाजपचे लोकच एवढ्या खालच्या पातळीवर हे करू शकतात जेलमध्ये टाकूनही राऊत थांबले नाहीत म्हणून हे प्रकार सुरू असल्याची टीका चतुर्वेदी यांनी केली आहे राज्यातील महा महा ही महायुती सरकार नाही तर महाझुटी सरकार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी मैडम काउत जो है चप्पल फेक कर देखिए जिस तरीके से जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके चेले चपाते जो हैं एक एनसीपी और एक मिंदे सेना जिस तरीके से कर रहे हैं दिखा रहा है कि ये लोग समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं है संजय राउत जी पे इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी ने इनकी सारे एक्सपोज किया है जिस तरीके से इनका काम हुआ है और आए दिन उनको एक्सपोज कर रहे हैं तो आप उनको जेल में कर दीजिए आप उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दीजिए आप उनको ईडी केसेस लगा दीजिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है तो ये जो अभी हुआ है सोलापुर का कांड वो दिखाता है कि बीजेपी इस तरह पर गिर गई है कि विपक्ष से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती है कोई चुनाव करने को तैयार नहीं है तो इस तरीके से हमलावर हो रही है शर्मनाक है निंदनीय है एक झूठी सरकार बनाए बैठे हैं, मैं तो इसको महायुति सरकार नहीं कहती मैं कहती हूँ महा झूठी सरकार है ये महा झूठी सरकार किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं और यही यही जिम्मेदार है, जो, जो हुआ है शोलापुर में इससे इनको दर्द होता है पीड़ा होती है और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता शिवसेना के साथ है उद्धव साहब के साथ है तो इसलिए वो अपनी खिस्यान पर इस तरीके से निकाल रहे हैं कैमरा पर्सन विनोद स्वामी प्रदीप कापसे टीवी नाइन मराठी